नबी और पैगंबर अल्लाह ताला के मखसूस और मासूम बंदे और इंसान होते हैं, जिनको अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई और हदायत के लिए मुंतखब फरमाते हैं, जो गुनाहों से मासूम होते हैं। खुदा ताला के अहकाम बंदों तक बिला कमी पेशी के पहुँचाते हैं, किसी हुक्म को छुपाते नहीं हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी जनाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया और क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी और सारी रहेगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी और रसूल लोगों की तरफ रहनुमाई के लिए भेजे, जिनकी सही तादाद खुदा ही को मालूम है। नबूवत अतिया व खुदावंद है, अल्लाह ताला ने जिसको चाहा ये एजाज़ बख्शा। अब सवाल पैदा होता है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। यहाँ ये बतला देना भी मालूमात में इजाफे का सबब होता है। नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? सो मालूम होना चाहिए कि नबी और रसूल में थोड़ा सा ही फ़र्क है। वो ये कि रसूल इस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हर नबी हर पैगंबर को कहते हैं, ख्वाह इनको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो या नहीं दी गई हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको शेयर करके अपने दूसरे साथियों तक पहुँचा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।